एक स्कूल में गया, मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे, तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूँ मैं, तो बोले आप राहुल गांधी। आप किन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो गरीब से गरीब बच्चे हैं, इन्हें खुशी इस बात की है कि मैंने कांग्रेस पार्टी के नेता का नाम ले लिया, क्या मुकाबला करेगा बच्चा। आप गोबर देखते हो, गोबर इंप्लीमेंट करते हो, और इनको ज्यादा एनर्जी ड्रिंक की जरूरत हो तो एनर्जी ड्रिंक भी बता दो कौन सी इन्हें पीनी चाहिए। मैं अध्यक्ष महोदय सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि आपने सस्टेनेबल गोल्स पे बहस की थी, और यहां पुराने माने सदस्य होंगे जिन्होंने दिन रात बहस की थी, वो सस्टेनेबल गोल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। 5 बजट पिछली सरकार के, 6वां बजट ये, उन सस्टेनेबल गोल्स को हमने कितना अचीव किया है अध्यक्ष महोदय, ये कम से कम सरकार बताए हमें। क्योंकि जो आंकड़े हम पढ़ते हैं, जो हम कभी कभी आंकड़े देखते हैं, जो नीति आयोग से आते हैं, शिक्षा सूचकांक में यूपी सबसे नीचे राज्यों में 4थे नंबर पे दिखता है। आपको दुख हो, हमें भी दुख होता है कि हमारा उत्तर प्रदेश 25 करोड़ का, जिस उत्तर प्रदेश ने इतने प्रधानमंत्री दिए हों और लगातार प्रधानमंत्री यूपी की वजह से बन रहे हो इनकी सरकार के, वो सरकार दिल्ली और यूपी की सरकार में हमारा शिक्षा का ये स्तर, और प्राइमरी स्कूल में मैं हमेशा जाता हूं, और मैं एक बार नहीं गया, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी मैं गया, और मैं अपनी भी कमी जानता हूं। जब मैं एक स्कूल में गया, मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे, तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हां मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूं मैं, तो बोले आप राहुल गांधी हैं। सोचिए आप नहीं, मैं अध्यक्ष जी अच्छा सोच रहे हैं, पूरी बात, सोच समझ बिल्कुल ठीक है, बात सुन लीजिए, ये इनकी सोच समझ बिल्कुल ठीक है। मैं जानता हूं किस बात पे ये कह रहे हैं, इन्हें चिंता इस बात की नहीं है अध्यक्ष महोदय, इन्हें दुख इस बात का नहीं है कि यूपी नीचे से 4था नंबर है, इन्हें खुशी इस बात की है कि मैंने कांग्रेस पार्टी के नेता का नाम ले लिया। कमाल है आपको, आपको सरकार किसने बना दी, सोचिए आप। इनको दुख इस बात का नहीं है, इनको शांति से सुन अध्यक्ष महोदय, दुख इस बात का नहीं है ने क्या स्वास्थ्य के आंकड़ों में हम कहां खड़े हैं, और मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा, ये सब लाइव है, सब लाइव जा रहा है। और प्राइमरी एजुकेशन में एक हमारे माननीय सदस्य ने कहा था कि टीचर्स कहां कहां से आ रहे हैं, कहां कहां से पढ़ा रहे हैं, आप जांच करिए इस बात की, जो हम लोग कह रहे हैं वो सच्चाई है कि नहीं है। आज स्कूलों में बच्चे तो हैं, और बच्चों की भारी कमी है, जो आप कहते हैं हम 2 करोड़ का लक्ष्य है बच्चों को पढ़ाएंगे प्राइमरी एजुकेशन में, आप किन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो गरीब से गरीब बच्चे हैं, जो हमारे समाज के सबसे गरीब है, पिछड़े और बहुजन समाज के बच्चे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं। आप सोचिए कि जो संपन्न लोग हैं वो कहां पढ़ने चले गए, क्या मुकाबला होगा, फिर क्या मुकाबला करेगा बच्चा। सुनिए ये बात गलत, और अच्छा है हम तो जहां जहां पढ़ाए, जहां जहां सीखा है, कुछ कुछ तो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप गोबर देखते हो, गोबर ही इंप्लीमेंट करते हो, और मैंने और इनको ज्यादा एनर्जी ड्रिंक की जरूरत हो तो एनर्जी ड्रिंक भी बता दो कौन सी इन्हें पीनी चाहिए। वो अभी बनी नहीं है, कभी कभी मिलती है, बताया जाता है आपके माध्यम से, ये एनर्जी ड्रिंक है, अगर समझ पा रहे हो तो समझ जाओगे, नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं।